रामपुर के आलियागंज के किसानों की जमीन कब्जाने के आरोप से घिरे सांसद आजम खान शुक्रवार को फिर से पुलिस की विशेष जांच दल के समक्ष प्रस्तुत हुए। उन्होंने अधिकारियों को सवालों का जवाब दिया। इसके बाद पत्रकारों से भी रूबरू हुए। उन्होंने खुद को अपमानित करने के आरोप लगाते हुए कहा कि न्यायालय पर भरोसा है, इंसाफ जरूर मिलेगा। सांसद आजम खान पर आलियागंज के किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप है। इसको लेकर किसानों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा है। इन मुकदमों की विवेचना SIT कर रही है। SIT के समक्ष बयान दर्ज करवाने आजम खान दो बार जा चुके हैं। शुक्रवार को वह तीसरी बार अपना बयान दर्ज करवाने महिला थाने पहुंचे। वहीं आजम खान ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए क्या कहा, वो आप खुद सुन। हमारे पदाधिकारियों पर, हमारे मिलने वालों पर बकरी चोरी के हैं, भैंस की चोरी के हैं, पेड़ों की चोरी के हैं। 4.25 बीघा जमीन को लेकर हमें भू माफिया डिक्लेयर कर दिया गया है। 88 के करीब मुकदमे हैं और हमारा अरेस्ट स्टे हुआ है अदालत से। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे साथ ऐसा इंसाफ किया है कि बस उसके बाद सिर्फ आसमान वाला कर सकता था। इसलिए हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिल रहा है, हमें न्याय मिलेगा। और जो लोग, जिन लोगों से हम पर सितम कराया जा रहा है, आज नहीं तो कल वो शर्मिंदा होंगे, वो दुखी होंगे। और हम कहना नहीं चाहते, कुदरत की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। आपने कुदरत की लाठी के बारे में कुछ इन दो दिनों में सुना होगा, बहुत बेआवाज़ होती है। सवालों का जवाब दे दिया आपने। दो चार पूछे हमसे, वैसे वो नाम पते के पूछे नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं की है जो हम आपसे कोई शिकायत करें। हमने समय मांगा, उन्होंने समय हमें कर दिया। कोई हमें शिकायत नहीं। अब कल फिर आएंगे आजम भाई? हाँ, के अलावा रिसीविंग किया तो भाई बात देखिए, 9 बार का विधायक, 4 बार कैबिनेट मंत्री, 1 बार राज्यसभा का मेंबर, इस वक्त लोकसभा का सदस्य है। भारतीय लोकतंत्र में इतना अपमान शायद ही किसी व्यक्ति का हुआ हो। लेकिन जो भी देखेगा, जो साहब भी हमारी दास्तान को देखेंगे और समझेंगे, उन्हें मालूम होगा कि इस अपमान के पीछे भी कितना सम्मान छुपा हुआ है। ठीक है, दिन है अपमान के, ऊपर वाला है, और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले के बाद अदालतें हैं और अदालतों में इंसाफ का। आदर भाई रिसीविंग कॉपी दे दी आपको जो ना बयान को आए थे? क्या है पूरा पूरी डिटेल? माननीय सांसद जी ने 4 दिन का मोहलत मांगा था कि 4 दिन के अंदर वो जो भी 30 तारीख को यहाँ पे उपस्थित हुए थे, उन्होंने कहा था कि जो भी आपके सवाल हैं उसके जवाब आपको 4 दिन के अंदर, यानी आज 4 तारीख को दे देंगे। लेकिन आज जो उन्होंने जो हमारे पास जवाब लाया, वो 30 तारीख को जो हमने प्रश्न पूछे उसमें से एक भी सवालों के जवाब नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि अभी कुछ कन्फ्यूज़न के चलते वो ला नहीं पाए, एक दिन की और मोहलत मांगी है कि जो भी आपके सवाल थे वो कल आपको हम दे देंगे। मतलब तो जवाब से अभी कोई संतुष्टि की बात नहीं? कल तो जवाब देना होगा। हाँ, हमने कहा है कि आप कल अगर देते हो तो अच्छा है। तो अभी तक जवाब नहीं मिल पाएंगे? नहीं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल वो जवाब हमें दे देंगे। और चूंकि वो रिकॉर्ड संबंधी भी है, तो कह रहे हैं कि कल रिकॉर्ड संबंधी जितने जवाब है वो भी दे देंगे, और जो प्रश्न हमारे थे वो भी सारे उसके सवालों के जवाब कल वो हमें दे देंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।